आज आई एम नॉट सिंगिंग ऑन फैन फरमाइश, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग. आई फील लाइक शेयरिंग समथिंग विद ऑल ऑफ यू. खैर, आजकल बड़ी डिबेट्स चल रही है कुछ महीने से. वेर एवर आई गो, हू एवर आई एम मीटिंग नाउअडेज, आई मीन इवन स्मॉल किड्स आर नाउअडेज टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म. इट्स क्रेजी. खैर, कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ और आई विल शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या सोचता हूँ. कुछ महीने पहले व्हेन आई हर्ड अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, व्हेन आई फेल बैड, आई वाज हर्ट, आई मीन एवरीवन फेल बैड अबाउट इट. तो मैंने एक गाना गाया, लंबियाँ सी जुदाइयाँ. इट वाज अ काइंड ऑफ यू नो स्मॉल ट्रिब्यूट टू हिम, दैट्स इट. एंड कुछ कॉमेंट्स पढ़ रहा था मैं. अनुराधा, मैं आपका कमेंट पढ़ने वाला हूँ. दिस इज़ योर कमेंट. आपका कहना है, एटलीस्ट वन पर्सन शोइंग सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट. सुशांत एंटरटेन्ड ऑडियंसिस विद एवरी रोल ही हैज़ डन. पिटी बॉलीवुड सक्स विद सच इडियोटिक पीपल वेयर नेपोटिज्म हैज़ बिकम प्राइम इम्पोर्टेंस. प्लीज डोंट बिकम लाइक कांग्रेस वेयर ओनली योर सक्सेसर कैन जॉइन एंड प्रोग्रेस. प्लीज गिव स्पेस फॉर अदर हु आर मच टैलेंटेड देन पीपल लाइक करण जौहर, सोनम कपूर. इंडिया इज वास्ट एंड इज फिल्ड विद टैलेंट इन एवरी फील्ड. खैर, ये आपका कहना है. हर एक को हक है बात करने का, तो आपने भी ये कहा. यू नो, बट इट्स लिल सैड दैट पीपल आर यू नो नाउअडेज मिक्सिंग पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म विद सुशांत सिंह डेथ. सबसे पहले तो देखिए, उनकी फैमिली पे इस वक्त जो भी बीत रही होगी, उनकी फैमिली पे बीत रही होगी दुख. हम सबसे ज़्यादा उनकी फैमिली को हो रहा होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैंस आर नॉट यू नो फीलिंग बैड. आई मीन यू सी एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया, एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सबको बुरा लगा. लेकिन इट्स वेरी डेंजरस टू अक्यूज समवन विदाउट हैविंग एनी प्रूफ. इट्स इवन मोर डेंजरस. अब देखिए, और एक कमेंट है, साध्वी जायसवाल. आपका ये कहना है, काजी बॉयकॉट नेपोटिज्म, बॉयकॉट दिस एक्टर, बॉयकॉट दैट एक्टर, बॉयकॉट एवरीथिंग. आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. देखिए, क्या है कि क्या आप सुशांत सिंह को पर्सनली जानते हो? नहीं. अभी बातें हो रही, देर सो मच ऑफ यू नो, देर आर सो मेनी स्पेकुलेशंस. बट देखिए, पहले उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जो हमको शायद हमको नहीं पता थी. बट आफ्टर ही डाइड, यू नो, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. कोई दोस्त यहाँ से आया, कोई किसी ने कहा कि ये उनका दुश्मन है. अब कौन दोस्त है, था, कौन दुश्मन है, ये हमें अभी तक नहीं पता. देयर इज नो प्रूफ, यू नो. बट इट्स वेरी सैड कि आप लोग सिर्फ यू नो क्या होता है कि किसी ने कुछ कहा, कहीं से हमने कुछ सुना और हम गालियां देना शुरू कर देंगे यू नो बाकी सेलिब्रिटीज़ को. ये गलत बात है. यू नो, समवन पोस्टेड समथिंग अगेंस्ट सम पर्सन, समवन रोट समथिंग अगेंस्ट सम पर्सन, और वो जो सम पर्सन है उनका यू नो बिना पक्ष जाने ही मैं खुद ही अदालत भी बनूँ, खुद ही वकील भी, खुद ही जज भी, खुद ही कानून भी, और खुद ही यू नो खुद ही फैसला भी सुनाओ. हाउ स्ट्यूपिड इज़ दैट? दैट्स नॉट राइट, यू नो. एंड सी, एंड और एक लड़का, हाँ ये फिर मैं भूल जाऊँगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. एक लड़का है ऑन यूट्यूब, उसका मैंने वीडियो देखा है शायद एक डेढ़ महीने पहले. दिस गाय पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर दिस गाय इज यू नो इज लिटरली अक्यूजिंग सम स्टार, सम बिग सेलिब्रिटीज, डेंजरस थंबनेल, द डेंजरस टाइटल, विदाउट हैविंग एनी प्रूफ. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट, थम्स अप, बट डोंट मिसयूज इट. This guy is accusing people and he is very funny. It's funny but sad at the same time. He's like, you know, वो मतलब क्या बोलूँ मैं अभी. He's like, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें. आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, हमको इंसाफ चाहिए. हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी है और हमारा फेसबुक का भी लिंक है. आप चैनल का सब्सक्राइब करें. हम देख रहे हैं कि सिर्फ 100 सब्सक्राइबर आए. It's funny. Shit kind of guy. And this guy, you know, that video has more than 5 million views. Why? क्योंकि टाइटली इतना डेंजरस है. ही इज अक्यूजिंग बिग स्टार्स. तो जब एक बड़े स्टार को अक्यूज़ करोगे, अगर इट्स अ ह्यूमन नेचर, मैं क्लिक करूँगा देखने के लिए. हो
और क्लिक जितना करेंगे व्यूज बढ़ेंगे, ही इज इवन अर्निंग फ्रॉम इट एज वेल. ये बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है. यू नो इट्स लाइक, जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ और एक टीवी पे न्यूज़ आ रही है, कोई बेचारा जर्नलिस्ट दूर कहीं गांव में गया सच्चाई की तलाश में, यू नो देर आर नो हॉस्पिटल्स इन द विलेज, पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, और वो बेचारा अब टीवी पे यू नो कह रहा है कि देर आर नो हॉस्पिटल्स है, पीपल आर सफरिंग, और मैं मोबाइल फ़ोन पे लगा हूँ, हार्ट वार्ट बना रहा हूँ, वो आँख मारने वाला कार्टून क्या कहते से वो इमोजी, एंड आई एम बिजी विद दैट, और मैं चाय का भी वेट कर रहा हूँ. अरे भाई चाय नहीं बनी क्या? और वो बेचारा लगा हुआ है, थोड़ा सा मैंने देख लिया, अरे अल्लाह रहम करे, बस इससे ज़्यादा और क्या, और उठ गया मैं चाय पीने. बट देयर इज़ अनदर न्यूज़, नाउ वी सी अ न्यूज़ एंकर विद एंग्री एक्सप्रेशंस, शाउटिंग लाइक हेल, हाई वोल्टेज ड्रामा, पीपल बैशिंग ईच अदर. You know, you can't tell me what I should and shouldn't do. You get that? आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते. आप घटिया थे, घटिया हो और घटिया रहोगे. I am right, you are wrong. You know that kind of stuff जो अक्सर हम देखते हैं रोज टीवी पे. Suddenly मैं देखूंगा, मैं चाय वाय भी छोड़ दूंगा. अरे एक मिनट आ रहा हूँ. Why am I watching it? It's a human nature, out of curiosity कि ये कैसे पागल है, ये क्यों चिल्ला रहा है. I'll call my brother. Hey, look at this guy, shit guy. What is he doing? I am watching it not because I'm loving it, because I love to hate it. And most of the people are watching it. When most people watch it, the TRPs go high. When TRPs go high, they get sponsors, they earn from it. Simple. तो इसी तरह सुशांत सिंह की डेथ पर बहुत लोग यही कर रहे हैं. दिस इज वॉट आई फील. दे मे बी समवन जेन्युइन एज वेल, बट ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, हर दिन उसी बारे में बात कर रहे हैं. एंड देन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका मिसयूज़ हो रहा है, कि किसी को भी अक्यूज़ कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी प्रूफ. इट्स इवन मोर डेंजरस. उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी. इट्स सैड. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेपोटिज्म थिंग. आई थिंक नेपोटिज्म इज़ जस्ट ओवररेटेड. ये कुछ ज़्यादा हो गया. अगर नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हेन आई थिंक ऑफ स्टार किड्स, पहला नाम मेरे दिमाग में आता है ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन वॉज लॉन्च्ड बाय हिज फादर इन 2000-2001, समथिंग लाइक दैट. कहो ना प्यार है, बट ही वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ अस. ही बिकेम अ सुपर स्टार. ही वॉज अमेजिंग, सुपर टैलेंटेड. आप सबको पसंद है ना ऋतिक रोशन, आप सब ने एक्सेप्ट किया. दिस हरमन बवेजा एज वेल, हु वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय हिज फादर, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म उनकी नहीं चली. और हर इंसान अच्छी फिल्म बनाना ही चाहता है, बट कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती, नहीं चली. एंड देयर इज करण देओल एज वेल, जिन्हें रिसेंटली लॉन्च किया गया. सनी देओल सन, he was launched by Sunny Deol. Sunny Deol directed the movie, but the film didn't do well. There's Anil Sharma's son as well. Anil Sharma, jo Gadar ke director hai, unke bete bhi hai, unne bhi koi film banayi kuch saal pehle, to wo bhi nahi chali. There's Rajkumar Rao, jinka koi filmy connection to hai nahi, but unki film chali Newton and Stree did so well. You know, there are so many names. There's and the greatest of all time, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar. इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो है नहीं, बट लुक एट शाहरुख खान. ही हैज़ फैंस, ही हैज़ फ्रेंच फैंस, ही हैज़ फैंस इन जर्मनी, आई मीन जर्मन्स. तो ये सारे तो हमारे पास एग्जांपल्स है. देखिए क्या होता है कि हर जगह पे आपको अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा. अब सब कुछ कम्प्लीटली बुरा नहीं हो सकता और सब कुछ कम्प्लीटली अच्छा भी नहीं हो सकता. दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ द इंडस्ट्री इज़. एंड दिस फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई हैज़ चेंज्ड सो मेनी लाइव्स. मेरी भी ज़िंदगी बदल दी. मेरा आज खुद का घर है मुंबई में. यहाँ कितने साल, 15 साल पहले मैंने सपना देखा. आई वॉज इन कश्मीर, आई सॉ दिस इंडियन आइडल थिंग ऑन टेलीविजन, एंड द मोमेंट आई सॉ इट आई स्टार्टेड ड्रीमिंग कि ये तो मैं बनने वाला हूँ नेक्स्ट. एंड आई वॉन द शो. 40,000 लोग खड़े थे. मैं ऑडिशन में गया, मेहनत की, जो भी पैशन था, और मैं आज मुंबई में हूँ. एंड नाउ आई एम ड्रीमिंग ऑफ मेकिंग अ मूवी फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू नो. और एक मैं आपको किस्सा बताने वाला हूँ आज, एक कमाल की स्टोरी. फैंस, यू फैंस हैव द पावर. मैंने गाना किया, आप लोगों ने मेरा गाना देखा है, अफगान जलेबी विद कटरीना कैफ, यू नो दैट वन, अफगान जलेबी. वो गाने में आई अपीयर्ड इन द सॉन्ग. उसकी एक कमाल की कहानी है. व्हाई एम आई डूइंग दिस फैन फरमाइश, आई एम गोना टेल यू. मैं पृथ्वी थिएटर में था, जुहू में है पृथ्वी थिएटर. आई वॉज हैविंग कॉफ़ी एंड आई मेट अ फैन देयर. हिज नेम इज़ शाहनवाज, आई रिमेंबर. और जब उन्होंने शाहनवाज, when I met him, when he saw me, he started actually crying. और वो रो रो के मेरे पास आए. मैं आई वॉज रियली टच्ड एंड देन ही हग्ड मी एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट हिज सिस्टर. उनकी सिस्टर ने मुझे बहुत सारे वोट्स किए थे
और उनकी सिस्टर ने मेरे लिए चादर चढ़ाई हाजी अली दरगाह पे. इट वॉज़ रियली हार्ट टचिंग. एंड देन ही शोड मी हिज पिक्चर्स उनके फ़ोन पे कि वो मेरे टाइप के जैकेट पहनते थे जब मैं फेम गुरुकुल में था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने उनके साथ कॉफ़ी पी, मैंने उसे नंबर भी दिया अपना. और कुछ दिन बाद, दो तीन दिन बाद, यू नो ही कॉल्ड मी कि काजी भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ मिलने, शाम को 7 बजे आ जाओ. मैं बोला हाँ आ जाओ. देखिए हमने कहानियाँ सुनी है, सुनिए ना, मिरेकल्स होते हैं, चीज़ें, इंडस्ट्री की कहानी, हर फ्राइडे किस्मत बदलती है, ऐसा होता है. तो ये कुछ ऐसी चीज़ है. तो और उसी दिन कमाल की बात है कि एक कवाली आई थी अदनान सामी जी की, सलमान सर पे पिक्चराइज्ड अदनान सामी, कश्मीर में एक दरगाह अशमुकाम. आई रिमेंबर आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे ओनली. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद. और वो मैं देख रहा हूँ एंड आई वॉज क्राइंग. आई स्टार्टेड क्राइंग नॉट बिकॉज आई वॉज इन पेन, बट आई वॉज जस्ट क्राइंग. आई डोंट नो वॉट हैपन टू मी. एंड आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग मी कि मैं इस कवाली में होना चाहिए. यू नो आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग मी. और शाहनवाज़, खैर शाहनवाज़ जब मेरे घर पर आया शाम को और मुझसे कहने लगा, काजी भाई मेरा एक दोस्त है अदनान. अदनान है अहमद खान असिस्टेंट, द ग्रेट कोरियोग्राफर अहमद खान, इज़ अ डायरेक्टर एज वेल, ही डिड बागी. तो बोला अहमद, मुझे वो अदनान फ़ोन कर रहा है, ही सॉ आ पिक्चर जो जो शाहनवाज ने पृथ्वी थिएटर में मेरे साथ पिक्चर ली. ही इज़ लाइक ही सॉ दैट पिक्चर ऑन फेसबुक एंड दे वर टुगेदर, कबीर खान अहमद खान, एंड दे सॉ दैट पिक्चर. और अदनान ने उनको पिक्चर देखा एंड दे वर लाइक, अरे वी नीड दिस गाय फॉर द सॉन्ग अफगान जलेबी. और 2 दिन में शूट होने वाला था, अमेजिंग. और मुझसे कहा कि गाना है, अदनान ने मुझे बोला यू कन्विंस काजी फॉर द सॉन्ग. हमने कहा मुझे क्या करना गाना. बोला कटरीना कैफ. मैं बोला कटरीना कैफ क्या फिल्म है. बोला फैंटम है. बोला फैंटम की न्यूज़ मैंने सुनी है, सैफ अली खान मूवी, व्हाई दे वांट मी फॉर द सॉन्ग. फिर उसने बोला अरे तुम आप बात करो काजी पर. मैंने बात नहीं किया. आई वेंट टू सी दिस मूवी बाहुबली, तब एक फिल्म आई थी, मैंने फिल्म भी देख ली. और फिल्म देखने के बाद अगेन दिस गाय शाहनवाज, यू नो ही इज़ अगेन टेलिंग मी कि काजी भाई बात कर लो. तो फाइनली आई स्पोक टू अदनान दैट गाय, एंड दिस अदनान मुझसे कह रहे काजी भाई एक कवाली है. तो जब उसने कवाली का, मैंने बोला अरे मैंने एक कवाली आज ही मैं देख रहा था वो अदनान सामी वाली. एंड ही इज रिप्लाइंग टू मी, काजी भाई हाँ हाँ बट ये डिफरेंट कवाली है, यू विल बी सिंगिंग फॉर कटरीना, यू विल लुक लाइक अ प्रिंस, बिलीव मी वी विल मेक यू लुक लाइक दिस. एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, ठीक है मैं बोला हाँ ठीक है मैं कल मिलता हूँ. फिर दूसरे दिन मैं मिलने गया. आई मेट अहमद खान, आई मेट ऑल दिस पीपल, मेरा मेजरमेंट भी हो, मैंने गाना भी सुना. मैं बोला ठीक है करता हूँ. तीसरे दिन ही शूट था, फिल्म सिटी पहुँचा, आई मेट कटरीना कैफ, कबीर खान, दे वर ऑल वेरी स्वीट टू मी. मुझे लिरिक्स भी नहीं पता था, सिर्फ एक स्टेप अहमद खान ने, अहमद भाई ने बताया वो स्टार्ट का. एंड देन आई वॉज डूइंग माई ओन स्टफ, आई वॉज टॉकिंग टू दिस यू नो दिस डांसर्स, मकतूल जी वगैरह, ठीक आ रहा है क्या, कातिल है नजर, आई वॉज डूइंग ऑल दैट. एंड उन्होंने लॉक कर दिया, बोला जो आप कर रहे हो काजी सही कर रहे हो, वंडरफुल. आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर जस्ट 20 मिनट्स एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग हैपन्ड. देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अमेजिंग. एंड जब गाना रिलीज हुआ, बट हाँ थोड़ा बुरा भी लगा मुझे जब गाना रिलीज हुआ, माई नेम वॉज नॉट मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन, नॉट इवन इन द टाइटल, इट वॉज नो वेयर. बट आप लोग, आप अभी भी देख सकते हो अफगान जलेबी वीडियो पर, देर आर कॉमेंट्स, काजी तौकीर इज़ बैक, आई लव यू काजी, आई एम हेयर फॉर काजी तौकीर. इट्स सो हार्ट टचिंग वेन आई सी योर कॉमेंट्स देर कि काजी भाई वी लव यू, काजी इज बैक. एंड दैट्स वाई आई डू फैन फरमाइश. आई डोंट हैव अ PR, आई डोंट हैव दैट, आई डोंट हैव अ मैनेजमेंट. और इट्स बिकॉज ऑफ द फैन फरमाइश आई डिड अ शो, आई डिड अ कॉन्सर्ट इन सिडनी. मेरी एक फ़ैन है सिडनी में जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, जिन्होंने मेरा नंबर निकाला यूट्यूब पे, ईमेल किए और बोले कि वी वांट टू डू अ कॉन्सर्ट. और मैंने कॉन्सर्ट किया, वेंट टू सिडनी, 1,000 लोगों की कैपेसिटी थी वहाँ पे, ब्लैक टाउन, वहाँ मैंने शो किया और 1,100 लोग आए शो देखने. इट वाज अमेजिंग. देन आई परफॉर्म्ड इन मेलबर्न एज वेल, माय ब्रदर ओएस, ही ऑर्गेनाइज्ड इट, अमेजिंग, फुल हाउस इट वॉज. तो देखिए चीज़ें होती है. और दूसरी बात भी मैं करना चाहता हूँ, कंपेरिजन्स, प्लीज़ स्टॉप दिस शिट काइंड ऑफ कंपेरिजन. कुछ एक बंदे का मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, ही वॉज वेरी एंग्री अबाउट सम मूवीज. ही वॉज लाइक कि वाई डू यू गाइज वॉच चेन्नई एक्सप्रेस, यू शुड वॉच मसान, आप लोगों ने इस फिल्म. अरे यार कंपेयर अगर करना है, यू कैन कंपेयर अ कॉमेडी मूवी विद अनदर कॉमेडी मूवी, यू कैन कंपेयर हेरा फेरी विद अंदाज अपना अपना, इसका कंपेरिजन हो सकता है. बट कैन यू कंपेयर वॉन्टेड
विथ अंदाज अपना अपना नो डिफरेंट जॉनर्स. मैं ये कह सकता हूँ, मैं कश्मीर का, मैं बोल सकता हूँ कश्मीरी एप्पल इज़ द बेस्ट एप्पल इन द वर्ल्ड. ठीक है, कोई दूसरा बताएगा नहीं हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छे एप्पल. कश्मीरी सैफरन इज़ द बेस्ट सैफरन इन द वर्ल्ड. अफगानिस्तान में भी सैफरन है, स्पेन में भी, दैट्स डिबेटेबल. बट यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस विद बनानास. यू कैन कंपेयर टू सुपर हीरो मूवीज के, किसी को आयरन मैन पसंद है, किसी को सुपरमैन पसंद है. तो ये चीज़ें थोड़ा समझनी चाहिए हमें. किसी एक दोस्त को भी मैं अभी कुछ दिन पहले ये चीज़ें समझा रहा था. और देखिए, अच्छाई बुराई का क्या कहूँ, हम सब गुनहगार लोग हैं. अब फ़र्क ये है कि किसी के गुनाह, किसी ने इतने गुनाह किए कि किसी ने इतने गुनाह किए, लेकिन गुनाह सब लोगों ने किए हैं. और ये इंडस्ट्री भी ऐसी ही है, यहाँ भी इंसान ही रहते. यू नो दिस होल थिंग, ये जो नेपोटिज्म है, इट्स ओवर एग्जैजुरेशन. पीपल आर ओवर यू नो एग्जैजुरेटिंग इट. इट्स जस्ट टू मच नाउ. We all should stop it. Okay. See you guys. फरमाइश करते जाए. I'll be back. और क्या कहूँ, मेरा ख्वाब है कि मैं एक फिल्म बनाऊँ कश्मीर पे. I've been writing this movie and I've completed it. और एक दिन बनाऊँगा ज़रूर for the world audience. ये मेरा ख्वाब है. कुछ साल पहले जब मैंने ख्वाब देखा था कश्मीर में कि मैं इंडियन आइडल देख के कि मैं ये नेक्स्ट बनूँगा, और मैं बन भी गया है ना. पर ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, और मैं बन भी गया. और जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं लोगों से कहता हूँ कि मुझे वर्ल्ड क्लास फिल्म बनानी है, पूरी दुनिया देखेगी मेरी फिल्म, तो कुछ लोग जब मजाक भी उड़ाते तो मुझे वही याद आता है. मैंने कश्मीर में जब मैं सोच रहा था कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है ना इंडिया की, और मैं जीतूँगा शो, आई लिटरली टोल्ड एवरीवन, मेरे दोस्तों को, और मैंने कर किया. तो व्हाई कांट आई ड्रीम कि मैं वर्ल्ड क्लास फिल्म बनाऊँ. ड्रीम ऑन, यू नो. तो या, और देखिए, हर एक कहानी अलग है, हर इंसान की जर्नी अलग अलग है ना. यू नो, आपकी जर्नी में आपकी एक अलग कहानी है. आप किस चीज़ से गुजरे हो, डोंट कंपेयर माय जर्नी विद योर जर्नी. हर इंसान एक दूसरे से अलग है. 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है. ठीक है, और कुछ तो नहीं कहना था मुझे. आई थिंक हो गया. ओके, दो मिनट बचे थे.